वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होशियारी आपके फेवरेट प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है इट्स ऑली। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह ड्रीम वर्ल्ड में जश्न बारा का जश्न मनाया जा रहा है। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं जश्न बारा किस तरह सेलिब्रेट की जाती है कराची में। जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो जरूर इस जश्न बारा को एंजॉय करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर जश्न बारा मनाने आए हुए ड्रीम वर्ल्ड में, हम उनके साथ एंजॉय करें और उन सब के साथ हम शेयर करेंगे उनकी आज जश्न बारा को रंगीन बनाएंगे और उनके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, आपको हम दिखा रहे हैं आज जश्न बारा किस तरह यहाँ पर लोग जो हैं जश्न बारा को एंजॉय कर रहे हैं। और ये पतंगे देख रहे हैं आप, ये पतंगे इतनी बड़ी पतंगे हैं, जब ये उड़ेंगी ना तो फिर इस पर एक बंदा बैठा के उड़ा सकते हैं, इतनी बड़ी पतंगे हैं। ये मुझे बताएं कि कब से ये पतंगबाजी का शौक है या पर आज ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं? बचपन से शौक है इसका, बचपन से पतंगे उड़ा रहे हैं, वही छत पे गली मोहल्ला में उड़ा रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, तार में फंस जाती है फिर प्रॉब्लम होती है, फिर तोड़ देते हैं, तार भी टूट जाती है। और मुझे बताएं जश्न बारा को किस तरह एंजॉय करते हैं? अच्छे अपने फास्ट फूड्स हैं और अपना जो है आइसक्रीम्स हैं बच्चों के लिए, एंटरटेन्ड है, पूल्स हैं, तो बच्चे डिफरेंट तरीके से अपना एंजॉय करते हैं इसको। इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर ऑल अस, मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें। पतंग मैंने बहुत ज्यादा उड़ाई है, मेरी 3-4 साल काटी, लेकिन मैंने काटी बहुत पतंगें उड़ाई, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल। खास बात ये बस एंजॉयमेंट हो रही है अभी तक, तो मुझे भी इसका पतंग अभी उड़ा आती है, फ्री आ रही है। कितना एंजॉय करो, हमारे शेयर करो, ताली मारो। जश्न बारा में आप किस तरह एंजॉय करती हैं? मतलब बहुत मजा आता है और लोग खासकर ये दिन रखते हैं कि आ जाए तो हम लोग इसमें एंजॉय करें, क्योंकि इतने हालात टेंशन वाले हैं कि लोग चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सम एंजॉय वगैरह करें। बहुत ही खतरनाक पतंगबाज हमें मिल गए और तकरीबन 50-60 पतंगे काट चुके हैं और अब मुझे लग रहा है कि ये जो है ना सेंचुरी मारने वाले हैं। जी कटने वाली? जी सर। अनाड़ी है कि कटने वाली? नहीं, असल में हवा बहुत तेज है ना, इसकी वजह से पतंग रुक नहीं रही है, तो अभी 15 काटी है, 3 कटवाई है अभी तक, 15 काटी है, 3 काटी, 3 कटवाई है पतंग, इसलिए वो आसमान पे कोई पतंग बची नहीं अब जो हमारे लिए मुकाबले में आए। अच्छा जी सर, तो मुझे बताइए शीशा तो नहीं मिलाया हुआ इसमें डोर में? कोशिश की थी कि मछली डोर से उड़ाऊं ताकि मैं जीतूं, लेकिन मैंने बोला फिर भी ईमानदारी से उड़ाएंगे। कट चुकी है पतंगे? आई थिंक दो। जी और कितनी काटी? काटी एक ही है अभी तक, एक ही काटी जी, बदला ले लिया? ले लिया, लेकिन बाकी एक। अच्छा, क्या तैयारी है आज की जश्न बारा की? कोई तैयारी नहीं है, बस बड़ी मुश्किल से ये टाइम निकाल के एक दिन के लिए आए हैं जश्न बारा का ये मनाने के लिए, बच्चों की वजह से, वरना इतवार के दिन भी बिजी होते हैं, मिक्स गैदरिंग हो जाती है और बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। और दूसरा ये कि रात को जो फायरवर्क होता है वो बहुत अच्छा होता है, बस यही सब कुछ अच्छा लगता है कि बच्चे अच्छे इंजॉय कर लेते हैं हम लोग जो है। असल में मिल बैठने का जो एक बहाना होता है। मैंने कोई भी तैयारी वैयारी तो नहीं करी, बस ये था कि एक ऑफ डे था उसको यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे आ गए। पतंगबाजी करनी है आज? नहीं, पतंगबाजी का शौक तो नहीं रहा बस, लेकिन ऐसे ही माहौल को एंजॉय करने के लिए आ गए। पक्के पतंगबाज हैं या फिर शौकिया उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, शौकिया उड़ा रहे हैं, शौकिया। पतंगबाजी में सिर्फ पतंगे कटवाते हैं या फिर काटते भी हैं? अभी काटेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं काटेंगे, देखें आप। सारे बच्चे भी एंजॉय करते हैं, ये लाहौर से हमारे मेहमान आए हुए हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं और ये आपको पता है एक्सपर्ट होते हैं। बताए कराची की आज रौनक, आप बाहर कर रहे हैं लाहौर से आए हुए यहाँ पर, तो क्या कोई खास बात आज क्या करना है आप? बस ये पतंगे उड़ाने के लिए आए हैं स्पेशल, बताना है लाहौर ही। बिल्कुल लाहौर। पतंगे गुड्डी तक कटना है? काटेंगे भी कटवाएंगे भी, ये तो हवा तो बहुत तेज है ना उधर, इतनी लाहौर में इतनी तेज नहीं होती हवा, इधर ज्यादा तेज है। जश्न बारा को हमारे साथ शेयर करें, ताली मारें। जी मुझे बताएं कब से कर रहे हैं पतंगबाजी के या फिर अनाड़ी है? नहीं नहीं, लाहौरी है, लाहौरी है। एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी है जो आपकी मूव ऑन हो रही है, वो उससे मूव ऑन करते हुए फन है, इसलिए मना रहे हैं। सारी एक फन एक्टिविटी मिल जाती है हमें, एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है।
पतंग उड़ाई आपने? नहीं। आपने उड़ाई? नहीं। पतंग उड़ा ली? जी उड़ा ली। कितना अच्छी लगती है उड़ाना? अच्छी दोनों। जी भाई आपका नाम? सहेल मोहसिन। सहेल मोहसिन कितनी पतंगें काटी अब तक? मैंने अभी तक मैंने उड़ाई नहीं है, तो मैं अब उड़ाऊंगा और इंशाल्लाह 6-7 काटूंगा। नहीं अभी नहीं काटी, अभी उड़ाई नहीं है। आपने क्या काटा? मैंने कुछ नहीं काटा, अभी उड़ाऊंगी। जिसने बारे की खास बात यह है कि यहाँ ज्यादातर जो है पतंगबाजी में लोगों को बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारी गैदरिंग हमें यहाँ नजर आ रही है लड़के लड़कों की फैमिलीज की। तो आज यहाँ गैदरिंग हमारे साथ 3-4 लड़के बैठे हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि जश्न बारे में किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। यार एंजॉय करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहर हवा बहुत ज्यादा तेज है अभी, तो अब जरा कुछ थोड़ा सा इंतजार में है कि अगर मौसम अगर बेहतर हो फिर रात ना हो जाए मौसम के चक्कर। नहीं रात हो जाए कोई मसला नहीं, मौसम बेहतर होना चाहिए। क्या होगा कितनी टोटल कितनी लाए मैं? 100-200 तो लग रही है। ऑलमोस्ट इतनी है, ऑलमोस्ट। अभी तक कटवा चुके हैं या काट चुके हैं? कुछ काटे भी हैं, कुछ कटवा भी चुके हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मेरा तो पहली दफा है ये पर्थ में, पर्थ से आया हूँ मैं और पहली दफा जश्न बहारा का यहाँ पे माहौल सेट हुआ है, मुझे तो काफी मजा आ रहा है। अभी तक तो अभी शुरुआत ही की हमने तो की है हमारी कट रही है अभी तो। अरे